आज मैं आपके लिए हमारे यहाँ की यानी कि बिहार की फेमस सत्तू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में भुने टमाटर आलू की चटनी ज़बरदस्त लगती है खाने में। सत्तू के पराठे खास करके बिहार में गर्मियों के दिनों में, ठंडी में, बरसात में, ऑल सीजन में कभी भी खाइए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। सत्तू आपको किसी भी अच्छे ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएंगे। घर में बनाना हो तो ये भुने चने ले आकर छिलका निकाल कर या छिलकों के साथ ही पीस लीजिए, बढ़िया सी सत्तू तैयार हो जाती है। लेकिन जो गांव में बनाते हैं ऑथेंटिक सत्तू, उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और भी अच्छा होता है। तो यहाँ हमने सत्तू ले लिया, 8 से 10 बड़े चम्मच सत्तू लिए हैं। ये पराठे में 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने सत्तू ली है। सत्तू में अब हम कुछ मसाले मिलाएंगे, तो 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनको हम दरदरा पीस कर सत्तू में मिक्स करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। साथ में 1 मुट्ठी भरकर धनिया पत्ती, 1 चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर भी सत्तू में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। साथ ही हम यहाँ पर आम का अचार जो होता है, अचार में जो तेल रहती है ना, वो 3 चम्मच मिलाएंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा मिला रही हूँ क्योंकि मुझे अचारी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। लेकिन अगर नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही खटाई के लिए 1 नींबू का रस डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा बहुत ड्राई होता है सत्तू का, इसीलिए मॉइस्चर के लिए हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, गीला नहीं करना है लेकिन थोड़ा पानी मिक्स करके, ताकि सत्तू के आटे में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, इस हिसाब से थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके मिक्स कर देंगे। बहुत लोग तो सत्तू के आटे में प्याज भी मिलाते हैं, ऑनियन को एकदम फाइनली चॉप करके आटे में मिक्स कर देते हैं, यानी कि सत्तू में मिक्स कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। और बहुत जगह तो सत्तू को ना मुकनी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बना लेते हैं पराठों के साथ खाने वाली मज़ेदार चटनी। तो चटनी हम यहाँ पे आलू और टमाटर की बनाएंगे, सिर्फ टमाटर की नहीं बनाने वाले हैं। तो 2 टमाटर को इस तरह कट करके किसी भी कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर लो फ्लेम पर एकदम सॉफ्ट होने तक इनको हम सॉफ्ट होने देंगे। साइड में हमने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए, इनको मैश कर लेंगे, अच्छे से मैश करेंगे। कोशिश करें कि आलू में गुठलियाँ ना रहे, मैश हो गई अच्छे से। साइड में जो टमाटर है वो भी पक चुके हैं, छिलका निकाल कर ये सॉफ्ट हो गए, इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है टमाटर पक जाते हैं लेकिन वो गलते नहीं है, सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो क्या करिए मिक्सी जार में थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा फिर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे भुने टमाटर वो हमने आलू में मिक्स कर दी, स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची डालेंगे, 1 मुट्ठी भर कर धनिया पत्ती, स्वाद के अनुसार नमक, और हम यहाँ पर अब गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, एकदम बॉयल्ड वाटर है वो ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, गर्म पानी ज़्यादा कन्वीनियंट है, आलू में अच्छे से मिक्स होते हैं। अब हमने कटी हुई 2 प्याज फाइनली चॉप करके ऐड की है, लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। साथ ही एक अच्छा सा तड़का हम लगाएंगे, 3 चम्मच तेल, 2 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 2-3 सूखी लाल मिर्ची। तड़के की क्वांटिटी हम इस चटनी में थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं खाने में। तड़का तैयार है, इनको हम चटनी में पोर कर देंगे और ये लाजवाब चटनी बनकर तैयार। आप इनको किसी भी पराठों के साथ, रोटी के साथ खा सकते, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह हमने एडजस्ट किए, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालेगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाएंगे और बिल्कुल चटनी के फॉर्म में हम इनको तैयार कर लेंगे। चटनी बनकर तैयार होगी, अब पराठे बना लेते हैं। पराठों के लिए आटा मतलब जो हम लगाएंगे बिल्कुल सादा आटा है, आपको आटे में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक आटे जो हम पराठे के बनाते हैं, सॉफ्ट आटा वो हम लगाएंगे बस। अब छोटी छोटी सी लोई इस तरह से लेंगे, आटे का छोटा सा पार्ट हम लेंगे, इस तरह से पेड़ा बनाकर इस तरह हाथों से गोल करके हम इसमें फिलिंग भरेंगे। आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, अगर टाइट आटा रहेगा और जब आप फिलिंग भरकर बेलेंगे ना तो पराठे फटने लगेंगे, इसीलिए सॉफ्ट रखेंगे तो आप स्टफिंग ज़्यादा से ज़्यादा भर पाएंगे और फिर इनको आप अच्छे से आपको बेलने में आसानी होगी, फटेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हम अच्छा सा पराठा एक बेल लेंगे। वैसे भी आप जब भी स्टफिंग वाला पराठा बनाएं तो जो आटा है ना उनको नॉर्मल आटा से थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग भर पाएंगे, बेलने में भी दिक्कत नहीं आएगी, पराठे नहीं फटेंगे और एकदम फुले फुले और सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पराठों को हम अलट पलट कर सेक लेंगे और आपने देखा हमने कितनी ज़्यादा सत्तू भरी, स्टफिंग भरी है, फिर भी पराठे फटे नहीं और कितने फुले फुले बन रहे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए थे। जनरली मैंने सुना है कि लोग ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हैं लेकिन हमारे घर में हमेशा डिनर में बनता है, रेयरली
सुबह शाम क्या ही सब्जी बनाए, बहुत सोचना पड़ता है, तो हम पराठे बना लेते हैं। वैसे आपको जब मन हो तब आप पराठे ट्राई कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाइए या डिनर में खाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा ये पराठे, और साथ में आलू टमाटर की चटनी, मज़ा आ जाएगा खाकर। पराठे साथ में चटनी और साथ में जो सत्तू हमने मिक्स की थी, थोड़ा सा ऑनियन मिलाकर वो हम डाल रहे हैं। बहुत जगह ना पराठों की सत्तू को ना सत्तू के साथ ही खाते हैं, इसी को मुकनी बोलते हैं, और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। और पराठे देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए, स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी भरी हुई है। अगर आपने कभी सत्तू के पराठे नहीं ट्राई किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और साथ में ये भुने टमाटर आलू की चटनी, मज़ा आ जाएगा खाकर। अगर रेसिपीज़ आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।